हाय गाइस, आई एम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नितिन मिश्रा। सो आज हम जो लुक करने वाले हैं वो न्यूड और वेरी सटल लुक। हमारी मॉडल है हिमानी और बहुत ही ब्यूटीफुल फेस है और बहुत ही इनोसेंट है। तो इस पर हम लुक जो करेंगे बहुत सोसाइटी लुक और बहुत सटल न्यूड आईज एंड सॉफ्ट स्मोकी आईज और लिप्स न्यूड। तो आप देखते रहे, वेट वाइप से अच्छे से पूरा फेस को क्लीन करेंगे। अभी हम यूज़ कर रहे हैं टोनर जोवीज का रोज टोनर। मॉइस्चराइजर में हम यूज़ करें ओसी ग्लो वाटर क्रीम। इट्स अ जेल मॉइस्चराइजर, सो उससे क्या होगा कि हमारा समर्स के टाइम पे प्रॉब्लम आता है कि मेकअप हमारा क्रैक कर जाता है या ऑयली हो जाता है या पैचीनेस की प्रॉब्लम, तो हमें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर को यूज़ करना है। करेक्टिंग पैलेट यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम ऑरेंज कलर करेक्शन के लिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हमारी मॉडल के फेस पे बहुत सारे मार्क्स नहीं हैं, इवन स्किन है, इसलिए हमें करेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि करेक्शन करते ही नहीं हैं और वो उससे क्या होता है ना कि अगर आप करेक्शन नहीं करेंगे तो आपका मेकअप आफ्टर 2 आवर्स वो ग्रे दिखने लगेगा। तो इसलिए आपका अगर कॉम्प्लेक्शन फेयर है या कुछ भी है तो आपको करेक्शन की तो ज़रूरत है। स्किन न्यूट्रलाइज अगर करेंगे तो वो रिज़ल्ट और अच्छा आएगा, इसलिए स्किन को न्यूट्रलाइज ज़रूर करें। अभी हम यूज़ करें गुडाक का बेकिंग पाउडर, इसका शेड नेम है शुगर। कैट वॉन डी कॉन्टोर पैलेट, सो बहुत सॉफ्ट कॉन्टोर करना है बिकॉज हमारी मॉडल का फेस ऑलरेडी बहुत शार्प है, तो इसलिए हमें बहुत सॉफ्ट कॉन्टोर करना है, कोई पैच नहीं बनाना है और बहुत सॉफ्ट लुक देनी है। तो कलर हम यूज करें पीच स्माइल। अभी हम यूज कर रहे हैं हाइलाइटर के लिए ओफ्रा पैलेट। ओफ्रा पैलेट में से ये मैं शेड यूज कर रहा हूं। यूज करें हुडा का रोज गोल्ड हाइलाइटर। इसमें होलोग्राफिक शाइन है, थोड़े से पिंक पार्टिकल्स हैं, गोल्डन और पिंक का मिक्सचर है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। हम फिर से ही अनस्थासिया का ब्रो मैट जेल से डिफाइन कर रहे हैं। वाह, बड़ा नाइस है। पीछे जो
I am using a Fenty Beauty lipstick, nude color, unbuttoned, shade is unbuttoned. So पहले हमें line करना है lip को.